नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम सुंडी सखी में। आपके साथ मैं हूं पूजा। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान हर रोज किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है या फिर बीमारी का शिकार हो रहा है। जोड़ों का दर्द हो या फिर आर्थराइटिस, कहने को तो एक सामान्य बीमारी है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो यही बीमारी आगे चलकर हमारे लिए घातक साबित होती है। इसलिए समय रहते ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों होता है जोड़ों का दर्द और क्या है इसका इलाज। तो दोस्तों, महानगरों की बदलती इस जीवन शैली में ना सिर्फ बड़ी उम्र बल्कि छोटी उम्र के लोग भी आर्थराइटिस का शिकार हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी की, जिसमें दवा के इस्तेमाल के बगैर तकलीफ को दूर किया जा सकता है। जी हाँ, एक्सरसाइज के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर किए जाने वाले इलाज की प्रक्रिया फिजियोथेरेपी कहलाती है। चूंकि इसमें दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इनके दुष्प्रभावों का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आज सुंडी सखी के इस मंच से हम ये जानेंगे कि जोड़ों का दर्द यानी आर्थराइटिस की बीमारी को कैसे दूर किया जाए, और ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विश्वास वर्मानी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आप भी जूझ रहे हैं जोड़ों के दर्द से संबंधित किसी भी समस्या से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 01203979868 और 01203979878। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेकिन आप तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि सवाल पूछते वक्त अपनी टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम कम कर ले ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंच सके। तो हमें आपके कॉल का इंतज़ार है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। गठिया यानी जोड़ों का दर्द आमतौर पर बड़ी उम्र के लोगों में होता है, लेकिन महानगरों की बदलती जीवन शैली की वजह से कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी अब दिखने लगी है। गठिया यानी आर्थराइटिस एक सामान्य बीमारी है। इंसानों को होने वाला गठिया करीब 200 तरह का होता है। इसमें इंसान के जोड़ों में सूजन आ जाती है और इस सूजन की वजह से जोड़ों में दर्द और जकड़न महसूस होती है। खासतौर पर कलाइयों, कोहनियों, कंधों और टखनों के जोड़ इससे प्रभावित होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 296 लोगों में से 189 लोग गठिया से पीड़ित पाए गए, जिनमें महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। शरीर को पंगु बना देने वाली इस गंभीर समस्या को ज्यादातर लोग लाइलाज मानकर नजरअंदाज करते रहते हैं। आजकल हमारे खानपान में एसिडिक खाद्य पदार्थों की मात्रा काफी बढ़ गई है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसमें मौजूद एसिड की कुछ मात्रा हमारे शरीर में बची रह जाती है और यूरिक एसिड के रूप में शरीर के विभिन्न हिस्सों, खासकर जोड़ों में जमा होने लगती है। सालों जमा होते रहने के बाद यूरिक एसिड क्रिस्टल का रूप ले लेता है और जोड़ों तथा पेशियों की सामान्य गतिविधि को प्रभावित करने लगता है और इसी के साथ गठिया को जन्म देता है। शुरुआती दौर में शारीरिक श्रम या कसरत के बाद दर्द हो सकता है, लेकिन आगे चलकर दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उनमें सूजन भी आ जाती है। गठिया के शुरुआती दौर में पैरासिटामोल और ट्रेमाडोल जैसी साधारण दवाएं, संतुलित आहार के साथ व्यायाम और फिजिकल थेरेपी काफी कारगर साबित होती है। लावनी श्रीवास्तव, महुआ न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आप भी आर्थराइटिस जैसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जानना चाहते हैं इसका इलाज, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपसे बस यही गुजारिश है कि सवाल पूछते समय अपनी टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम कम कर ले। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, दो कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से अनवर और कानपुर से ही अलका भी हैं, उनका पहले सवाल ले लेते हैं। अनवर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मुझे 3 साल से बैक पेन हो रहा है, अभी तक सही नहीं हुआ। इलाज किया मैंने काफी डॉक्टरों से और सुबह के टाइम पर होता है 6 से 8 बजे बैक पेन, तब मैं लेटा होता हूँ, उसके बाद जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। उसके बाद 10 बजे से जब मैं लेटता तभी होता हूँ, दिन में दर्द नहीं होता मेरे बैक पेन में जी। पिछले 3 साल से ये समस्या है जी। आपकी उम्र जानना चाहूंगा जी। मेरी 25 ईयर है। जो आपकी उम्र है 25, एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, जिसके अंदर क्या है कि जितनी भी रीढ़ की हड्डियां हैं, तकरीबन 33 हड्डियां हैं, ये सारी की सारी आपस में जुड़ने लगती हैं और स्टिफनेस क्रिएट करती हैं। उनका जो सिम्टम है, जो स्टिफनेस है, जो पेन है, वो सुबह में ही अधिकतर आता है।
तो उसका एक टेस्ट है HLA-B27 जिसे बोलते हैं, वो आप करा लें। हो सकता है क्योंकि आपकी एज जो है कम है, 20 से 25 के बीच में ये शुरू होता है। और दूसरा, सोने का जो आपका तरीका है, जो सोने का पॉस्चर है, उसका ध्यान रखें। अगर आप सीधा सोते हैं तो थोड़ा सा घुटनों को मोड़ लें, अगर आप करवट पे रहना पसंद करते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया डाल लें, ये आपको फ़ायदा देगा। तीसरी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बेड है वो बीच में से सैग ना करता हो, वो बीच में से झूलता ना हो, जैसे कि मंजी है, सोफ़ा है, ये चीज़ें बीच में से झूल जाती हैं, तो इन पे ना सोएं। और दूसरा, अपना ये टेस्ट करा लें, हो सकता है ये कुछ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। जी चलिए, अलका है हमारे साथ, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अलका जी, आप पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं। नमस्कार जी, घुटने के पैर में बहुत दर्द, घुटनों में। जी घुटने में आपको समस्या है अलका जी? जी घुटने में, और पैरों अलका जी आप एक बार दोबारा से फोन ट्राई करें, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, शायद ये घुटनों की तकलीफ बता रही है, लेकिन आवाज़ समझ नहीं आ रही। क्या जी जी, चलिए हम दोबारा से आपका कॉल लेंगे। और ऋषिकेश से अगले कॉलर हैं विश्वास जी हमारे साथ। विश्वास जी सवाल पूछिए आप। मैं 20-25 साल से यूरिक एसिड के प्रॉब्लम से भूग रहा हूँ। शुरू में तो डॉक्टर लोगों ने बताया नहीं, एक टैबलेट लेते थे तो उससे जो है ये अंगूठे के, पैर के अंगूठे के वो सूजन जो है एक दिन में ठीक होता था, तो कहते थे कि थोड़ा पेशाब ज़्यादा आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद जो है हर तीसरे महीने, चौथे महीने, छः महीने ऐसे ही अटैक होता था, अंगूठे के पैर में ही सूजन आ जाता था। तो मैं भी फिर वो जैलोरिक टैबलेट 100 mg का ले लिया करता था। अब ऐसे करते 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 फिर बढ़ गया। हर साल जो है यही जो है, फिर 15-20 साल बाद जो है डॉक्टर लोगों ने बताया कि ये चीज़, मटर चीज़ मत खाओ, आलू मत खाओ, बादी चीज़ मत खाओ। तो ये चीज़ खाते खाते छोड़ते छोड़ते फिर जो है मैं अब क्या खाऊं? पनीर नहीं खा सकता, प्रोटीन वाला चीज़ नहीं खा सकता, अंडे नहीं ले, दूध नहीं ले सकता। अब मैं बहुत परेशान हो गया। यूरिक एसिड 6.7 के आसपास बना रहता है हमेशा। जी ये जो आपको प्रॉब्लम लग रही है, ये हो सकता है गाउट हो, इसके अंदर आपको यूरिक एसिड क्या है कि बढ़ जाता है। तो एक तो आपको इसमें पानी खूब पीने की आवश्यकता है, हालांकि आप जैलोरिक ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन आप पानी खूब पीजिए। जब तक आप पानी नहीं पियेंगे तो ये दवा भी बहुत कारगर नहीं साबित होगी। दूसरा, प्रोटीन की जो मात्रा है वो आप कम कीजिए। जैसे आपने बताया कि दूध नहीं ले पा रहा हूँ, अंडा नहीं ले पा रहा हूँ, पनीर नहीं ले पा रहा हूँ। आपकी उम्र जानना चाहूँगा, उम्र कितनी है आपकी? 62। तो उम्र आपकी फेवर में है, क्योंकि अब इस उम्र में जो है ना प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप ये प्रोटीन वगैरह कम लेते हैं तो भी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप इसको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, आप हरी सब्जियाँ, फल, ये सब ज़्यादा लीजिए, पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा लीजिए। दूसरा, अब जो गर्मियों का ये जो सीज़न है, इसके अंदर पानी जो है कम से कम आप 15-20 ग्लास किसी भी रूप में, लस्सी, मैंगो शेक या शिकंजी या जो भी आपको अच्छा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लीजिए, और हर एक 3 महीने के बाद अपना जो यूरिक एसिड है उसे टेस्ट कराएं। जी चलिए, हो सकता है इससे इनकी समस्या धीरे धीरे कम हो जाए। अगली कॉलर है पटना से सुमन हमारे साथ। सुमन आप अपना सवाल पूछिए। मुझे कॉल ड्रॉप हो गया। इलाहाबाद से जगदीश हैं फोन लाइन पे। जगदीश जी आप सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ये मेरे जो है पीठ में, पीछे तरफ रीढ़ की हड्डी में या साइड में, मैं जब रात में सो के सुबह टाइम उठता हूँ ये दर्द होता है, कभी दाहिने होता है कभी बाएं होता है, और काफी परेशानी से होकर उठने में बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता हूँ, काफी दिक्कत होती है। दवाइयाँ लेता हूँ दर्द की, लेकिन वो फायदा करती है, फिर ठीक हो, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है ये दर्द। आप सिर्फ कमर में ही दर्द कंप्लेन कर रहे हैं, आप कूले में, जांग में, नीचे पिंडली में कहीं दर्द नहीं कंप्लेन कर रहे हैं? जी सर, आप सिर्फ कमर में ही दर्द की शिकायत है ना आपको? आपको कूले में, जांग में तो कहीं नहीं है? पीठ में है सर, पीठ में। हाँ, सिर्फ पीठ में। क्या काम करते हैं साहब ये? हम तो सर ऑफिस में जॉब करते हैं सर, और बैठ के ही सुबह से 10 बजे से 5 बजे तक बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर एक दिन में आराम नहीं कर पाते हैं। जी, और जिस दिन काम नहीं करते हैं उस दिन कैसा रहता है? नहीं, बराबर रोज का यही स्थिति है, और हालत ये है कि कभी दाहिने तरफ, राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट में भी होता है,
और बहुत दर्द होता है पीठ में जी। ये आपका जो केस है ये लगता है कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस में जा रहा है। इसमें क्या है कि जो आदमी का बैठने का तरीका है, सारा दिन बैठे रहना है और बैठने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले तो ये करिए कि हर एक 20 मिनट के बाद जब आप ऑफिस में हैं तो उठते रहिए। किसी भी बहाने से उठ सकते हैं, टॉयलेट के बहाने से, फ़ोन करने के बहाने से, पानी पीने के बहाने से। 20 मिनट के बाद ज़रूर एक छोटा सा पूर्ण विराम लीजिए, पहली चीज़। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि बीच बीच में उठ के कुछ व्यायाम हैं जो एक्सरसाइजेज हैं जिसे हम बोलते हैं डेस्क टॉप योगा, अर्थात कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि आप चेयर पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, उनको आप करना शुरू करिए। और तीसरा इनको आप हफ्ता दस दिन करिए, और नहीं अगर फ़ायदा मिलता है तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं। आपका केस स्पॉन्डिलोसिस में जा रहा है, बन रहा है स्पॉन्डिलोसिस, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट कुछ सिकाई करके, कमर की जो पीठ का जो आप हिस्सा बता रहे हो उसमें सिकाई करके कुछ आपको एक्सरसाइजेस सिखा देंगे, कुछ दिन थेरेपी डिपार्टमेंट में करके उसके बाद फिर अपने घर पर फॉलो कीजिए। साथ में पोस्चरल केयर का ध्यान रखें जो एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आपको समझा देगा और ये आपको मदद देगा। जी आसमगढ़ से जय हैं फोन लाइन पे। जय पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। सर मैं आजमगढ़ से जय बोल रहा हूँ। मेरे बाएं पैर पे जी जोड़ों में दर्द है जी। ये तो कैसे नर्स पा सकते थे? कितने दिनों से दर्द है आपको? करीब 6 माह से जी। घुटनों में दर्द है बाएं पैर पे, लेफ्ट घुटने में कंप्लेन कर रहे हैं दर्द की जी। क्या काम करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, क्या उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 23 ईयर्स है। कभी घुटने में कोई झटका वगैरह तो नहीं लगा है? कुछ गिरे तो नहीं है? कुछ स्लिप तो नहीं हुए हैं? घुटना कभी चलते हुए, खेलते हुए, सीढ़ी उतरते चढ़ते कभी लचका तो नहीं है? क्रिकेट खेलते तो जैसे उतर जाता है बाएं पैर जैसे लगता है। इसके अंदर क्या है कि घुटने के अंदर एक झिल्ली रहती है जिसे हम कार्टिलेज, मेनिस्कस, ग्रीस भी बोलते हैं। ये पैर अगर घुटना जो है अगर थोड़ा सा तिरछा पड़ जाए और बॉडी का वजन उसके ऊपर है तो इसके अंदर का जो मेनिस्कस है वो कट जाता है। जैसे तरबूज में एक चीरा डाल देते हैं इसी तरीके से इसके अंदर एक छोटा सा चीरा आ जाता है जो कि ऑन एंड ऑफ या एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ में तंग करता है। इसकी आप सिकाई कराइए, फिजियोथेरेपी कराइए तो आपको लाभ होगा। उसमें कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स रिजीम। उसमें 8-10 अलग अलग तरीके की घुटने की एक्सरसाइजेज हैं। एज आपकी कम है और अभी ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो आज से 20 साल के बाद हो सकता है यही चीज़ अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाए। चलिए डॉक्टर साहब यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। आज हम जानने की कोशिश करें कि फिजियोथेरेपी के जरिए आप कैसे इलाज कर सकते हैं जोड़ों के दर्द का। आप बने रहिए हमारे साथ।